वेलकम टू माय YouTube चैनल पावर्ड जेस। तो स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। तो गाइस मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्यूटी का शेड्यूल ऐसा चल रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। फिर भी आज मैंने टाइम निकालने की कोशिश किया कि आज मैं वीडियो बनाऊँ। तो गाइस आज वीडियो बनाया कारण है कि एक और मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कि आज डिलीवर हो गया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाफट देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो चलिए आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या आया है और आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो गाइस मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो कंटिन्यू अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। मैं व्लॉग पे नहीं आ पाता हूँ क्योंकि ड्यूटी का शेड्यूल इतना ज़्यादा टफ़ हो गया है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। ड्यूटी से जाओ आओ तो काफ़ी टफ है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट कि क्या कौन सा प्रोडक्ट मेरा डिलीवर हुआ है। चलिए देखते हैं। मेरा प्रोडक्ट और इसे काटने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं छोटी सी कैंची। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट। हमेशा ध्यान रखें कि सेफ्टी के साथ थोड़ा पैक को कटिंग करें। अगर इसे रिटर्न करना हो तो आप आसानी से इसे रिटर्न कर सकते हैं। तो पैकेट को जैसे तैसे ना फाड़े, आराम से फाड़े। पैकेट को ओपन करने के बाद अच्छे से ओपन करके देखें आपका प्रोडक्ट सही है तो आप रखें, वरना अगर आपका रॉन्ग प्रोडक्ट आता है तो फटाफट उसे रिटर्न कर दें। ये इसका बिलिंग, इसे करते हैं साइड। ये इसका बॉक्स, इसे करते हैं साइड। ये इसका बॉक्स, चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। ये पुराना प्रोडक्ट तो पैकेट तो बहुत बुरा हाल है, काफ़ी टाइम से लगता है ये रखा हुआ था। और ये मेरे पास भेजा गया है और ये मोबाइल स्टैंड है, बट चलिए देखते हैं। ये रहा मेरा मोबाइल स्टैंड का प्रोडक्ट। तो चलिए इसे फिक्स करके देखते हैं और इसे फिक्स करके क्या आता है। तो मैंने YouTube के थ्रू मैंने इसे सेट करना सीखा, तो मैं चलिए इसे ट्राई करता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे डालेंगे और इसको यहाँ ऐसे थोड़ा सा निकाल देंगे, फिर इसे यहाँ हम फिक्स करेंगे। आप देख सकते हो इसे थोड़ा टाइट करने के बाद, फिर इसके बाद हमें इसे यहाँ फिक्स करना है। इसे जितना आप टाइट करोगे वो उतना अप डाउन होगा। अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो ये अप डाउन ज़्यादा नहीं होगा। तो इसे आप थोड़ा थोड़ा लूज ही रखें ताकि आप स्टैंड के हाइट को कम ज़्यादा कर सकें। आप देख सकते हैं कि इसका, अगर मैं इसे लूज रखता हूँ तो ये अप एंड डाउन हो रहा है, अगर ज़्यादा फिक्स करता हूँ तो ये अप डाउन नहीं हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये तो हो गया, फिर रहा बात ये लास्टली इसे आपको यहाँ पे फिक्स करना है। ये हो गया आपका स्टैंड तैयार। आप इसे जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं, ये इसे भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये मेरा फ़ोन स्टैंड हो गया तैयार। इसे इधर भी आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, बट पहले आपको इसे टाइट ही रखना है। आप जैसे ही मूव कर सकते हो, यहाँ अपना फ़ोन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपका जो भी फ़ोन का साइज हो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसे ध्यान से एक बार सेट करें और बार बार इसे खोलने की कोशिश ना करें। ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है स्टैंडर्ड। तो आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं, चलिए मेरा स्टैंड हो गया तैयार। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो को ज़रूर देखें। और गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।